हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूँ देवपाल और आज के वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी डिप्लोमा में जो और सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर का, अगर फ्रेंड जिस भी स्टूडेंट का बैक लगा है तो वो जो है रीचेक फॉर्म कैसे अप्लाई करेगा। जी हाँ फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि आप जो है अगर आपका बैक लगा है तो आप रीचेक फॉर्म या फिर स्क्रूटनी फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो अब गाइस, अगर आपका भी और सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म या फिर री इवेलुएसन यानी पुनः मूल्यांकन का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। अब जैसे ही आपका क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाता है तो आप यहाँ सर्च करेंगे UPBTE रिजल्ट। अब जैसे ही आप सर्च करेंगे UPBTE रिजल्ट तो अब गाइस आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पे आप वो ऑफिशियल साइट ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे देख लिखा है http://rizultbteupexam.in। तो अब गाइस आपको यहाँ से क्लिक करके इस लिंक को ओपन कर लेना है। अब गाइस अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके आप यहाँ से इस साइट को डेस्कटॉप साइट पर ओपन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर गाइस आपके सामने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से गाइज मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके रीडायरेक्ट आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो अब गाइज आपको स्क्रूटनी या फिर री इवेलुएसन का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए सबसे नीचे चौथे नंबर पे ऑप्शन मिल रहा है, लिखा है फिल री इवेलुएसन या स्क्रूटनी फॉर्म, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रूटनी री इवेलुएसन रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब गाइस ये जो एप्लीकेशन है ये थ्री स्टेज में कंप्लीट होने वाला है। इसका जो फर्स्ट स्टेज है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो जो है फ्रेंड 20 मई है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद फ्रेंड आपको जो इसका अगला स्टेज है यानी कि जो सेकंड स्टेज है उसमें आपको पेमेंट करना है। अगर आप स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए आपको 60 रुपीज़ का पेमेंट करना है। और अगर आप री इवेलुएसन यानी पुनः मूल्यांकन जिसे हम रीचेक के नाम से भी जानते हैं, अगर आप री इवेलुएसन का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है पर सब्जेक्ट आपको 500 रुपीज़ यहाँ पर पेमेंट करना है। उसके बाद जैसे ही आपका फी पेमेंट कम्प्लीट हो जाता है तो आपको जो है उसका एक रिसिप्ट आपको डाउनलोड करके रख लेना है। तो अभी गाइज अगर आप इस फॉर्म को आज अप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो फीस पेमेंट है वो आज आप नहीं कर सकते, वो जो फीस पेमेंट होगा वो 24 आवर्स बाद यानी कल होगा। जैसे कि फ्रेंड आज जो है 16 मई को मैं अप्लाई कर रहा हूं तो इसका जो पेमेंट है मैं जो इसको 17 मई को कर सकता हूं और इसका जो फीस पेमेंट के बाद जो रिसिप्ट डाउनलोड होगा वो जो है 18 मई को होगा। सो गाइज अभी तक जो फुल डिटेल्स था वो मैंने आपको बताया, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे फिलअप करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड आप यहाँ पहले लिंक पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन स्क्रूटनी री इवेलुएसन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आप यहाँ पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे स्क्रूटनी री इवेलुएसन रजिस्ट्रेशन पर, तो अब यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर और यहाँ से आपको अपना DOB फिलअप करके आप यहाँ फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप वहाँ से इनरोलमेंट नंबर और DOB डाल के फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो जो आपका डिटेल्स होगा वो यहाँ पर फैचिंग करके आपको शो कर देगा। तो अभी गाइज आपको यहाँ पर आपको अपना एक बार सारा डिटेल्स यहाँ पर चेक कर लेना है। तो अभी गाइज यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये गलती नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको पहले नंबर पे सीरियल नंबर मिलेगा और यहाँ पे आपको पेपर कोड मिलेगा और यहाँ पे आपको पेपर नेम और यहाँ से स्क्रूटनी अगर आप भरना चाहते हैं तो आप यहाँ स्क्रूटनी वाले कॉलम पे आप क्लिक करेंगे। जिस भी सब्जेक्ट में आप भरना चाहते हैं उसके सामने आप स्क्रूटनी वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। और अगर फिर आप री इवेलुएसन भरना चाहते हैं तो आप यहाँ री इवेलुएसन टेबल में से आप टिक करेंगे। जिस भी सब्जेक्ट में आप भरना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट के सामने आप री इवेलुएसन में जा करके टिक करेंगे। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपका दो सब्जेक्ट में बैक लगा है, आप एक में स्क्रूटनी भरना चाहते हैं दूसरे में री इवेलुएसन, तो गाइस आप जिसमें स्क्रूटनी भरना चाहते हैं तो आप जो है उस सब्जेक्ट के सामने स्क्रूटनी वाले फॉर्म पे क्लिक करेंगे। और अगर आप जिसमें री इवेलुएसन भरना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट के सामने आप री इवेलुएसन टेबल में से आप जा करके उसको टिक करेंगे। तो जैसे गाइस यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड का अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका फ्रेंड जो बैक लगा है वो मैकेनिकल ऑफ सॉलिड यानी मोस में जा करके लगा हुआ है। तो यहाँ पर गाइस आपको सब्जेक्ट को टिक करते समय एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर पेपर कोड का ध्यान रखना है। और अभी आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो मैकेनिकल ऑफ सॉलिड का जो पेपर कोड है वो यहाँ पे 343-303 है। और अगर आप इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी देखिए मैकेनिकल ऑफ सॉलिड का जो पेपर कोड है वो 343-322 है। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूं कि जो ये पेपर कोड है आपको बिल्कुल ध्यान से भरना है। यहाँ पे देखिए जो पहला मैकेनिकल ऑफ सॉलिड है जिसका पेपर कोड 343-303 है, ये जो है फ्रेंड थ्योरिकल सब्जेक्ट है। और यहाँ पे गाइस यानी फ्रेंड आप जो इसका एग्ज़ाम दिए थे ये थ्योरी वाला सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो मैकेनिकल ऑफ
साइड है 343-322, ये जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब कि फ्रेंड इसमें आपको स्कूल से नंबर मिले थे प्रैक्टिकल में, तो यहाँ से फ्रेंड आपको प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं चूज करना है, यहाँ पे आपको जो है अपना थ्योरी वाला सब्जेक्ट चूज करना है। तो अभी फ्रेंड जो पेपर कोड है इसको मिलाने का जो तरीका है फ्रेंड, अभी आपका जो रिजल्ट आया है आप वहाँ से इसको मिला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल ऑफ साल्ट, ये जो है थ्योरिकल सब्जेक्ट है, आप पेपर से अभी आपका जो रिजल्ट आया उससे पेपर कोड मैच कर लेंगे। तो आप जो है दोस्तों इस सब्जेक्ट के सामने आप यहाँ रीवेल्यूएशन पे जा करके यहाँ टिक करेंगे, जी हाँ फ्रेंड आप यहाँ स्क्रूटनी फॉर्म पे नहीं टिक करेंगे। तो अब गज मैंने आपको पूरा स्टेप बता दिया है, तो अब आप इसी तरह बारी बारी अपने जिस भी सब्जेक्ट में आप रीवेल्यूएशन फॉर्म या फिर स्क्रूटनी फॉर्म भरना चाहते हैं आप दोस्तों उस सब्जेक्ट के सामने आप स्क्रूटनी फॉर्म के कॉलम में जा करके टिक करेंगे या फिर रीवेल्यूएशन टेबल में जा करके आप उसको टिक करेंगे, आपको जो भी भरना होगा। तो यहाँ पे गज मैं केवल रीवेल्यूएशन फॉर्म भरना चाहता हूँ इमोस में यानी मैकेनिकल ऑफ सॉलिड में, तो यहाँ से मैं रीवेल्यूएशन के सामने मैकेनिकल ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट में चूज कर लिया हूँ। तो अब जैसे आप यहाँ चूज करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर फीस शो कर देगा कि आपको 500 रुपये लगना है। हालांकि फ्रेंड अभी जो फीस है वो आज नहीं लगेगा, अगर आप फॉर्म आज अप्लाई कर रहे हैं तो जो फीस पेमेंट होगा इसका वो कल होगा यानी 24 आवर्स बाद होगा। तो अब गज आपको यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे गज मैं आपको एक चीज़ कन्फर्म कर दूँ, अगर आप यहाँ से पेपर कोड गलत चूज कर लेते हैं तो आप दोस्तों इसको बाद में कभी भी सुधार नहीं कर सकते, ये अथॉरिटी किसी के पास भी नहीं है। तो अब गज आप यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। अब देखिएगा जैसे आप सब पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक रिसिप्ट नंबर दे दिया जाएगा, तो अभी आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। उसके बाद आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो स्क्रूटनी या फिर रीवेल्यूएशन के लिए आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने देखिए फ्रेंड ये फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आपने अपने किस सब्जेक्ट में रीवेल्यूएशन या फिर स्क्रूटनी फॉर्म के लिए अप्लाई किया है वो यहाँ पर शो होगा, जैसे कि यहाँ पर देख लिखा है पेपर कोड 343-303 और यहाँ से पेपर ने मैकेनिकल ऑफ सॉलिड और यहाँ से देखिए लिखा है आपने किसके लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ से देखिए मैंने अप्लाइड फॉर रीवेल्यूएशन, तो ये भी आपको यहाँ पर शो होगा। तो अब गाइस आपको जो है यहाँ से इस फॉर्म को आपको प्रिंट करके रख लेना है, तो उसके लिए फ्रेंड आप यहां प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों इसको जो है पीडीएफ में सेव करके रख लेंगे। तो अभी क्या ये जो फॉर्म है कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपने केवल रजिस्ट्रेशन किया है, इसका जो फीस पेमेंट है वो 24 आवर्स बाद होगा, तो मैं आपको कल जो है बताऊँगा इसका फीस पेमेंट आपको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।